हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो यार। उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो हमारे स्क्रीन पे थॉर बाबा और ये वीडियो नंबर 6 है। और इस वीडियो में मैं वीडियो किसी और तरीके से शुरू करने वाला था यार। तो वीडियो शुरू करते हैं, आपको कुछ रिवॉर्ड दिखा के, ठीक है। अब देखो, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप एकदम नल्ले बेरोजगार हो, साथ में आपको कोई चीज़ न सीखने का मन करता है, ना ही कुछ माथा पट्टी करके सीखना चाहते हो, फिर भी पार्ट टाइम करके थोड़े बहुत नहीं, बहुत सारे नहीं, मतलब दोनों के बीच में थोड़े बहुत पैसे कमाना चाहते हो, तो करना क्या है। उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। यहाँ पे बोलता हूँ लोगो डिज़ाइन दिखा मेरे को भैया। मैं कहाँ पे हूँ? मैं इस टाइम पे हूँ फाइवर.com पे, ठीक है। fiverr.com क्या है? फ्रीलांसिंग वेबसाइट है। जो मेरे वीडियो सीरीज फॉलो करेंगे उनको पता होगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे लोगो डिजाइनिंग का ये बंदा देखो, काफ़ी बढ़िया लोगो डिजाइन कर रहा है। मैं भी सोच रहा हूँ अपने चैनल के लिए डिजाइन करवा लो इधर से। बढ़िया, 3000 रुपये ले रहा है भाई, मिनिमम 3000 रुपये। ये बंदा लोगो देखो काफ़ी शानदार डिजाइन किया है। अब मैं ये सारी चीज़ें आपको क्यों दिखा रहा हूँ, तो आप इस लोगो पे थोड़ा कम ध्यान देना, उस पे भी बाद में ध्यान देना, पहले आप पैसों पे तो ध्यान दो भाई। यहाँ पे देखो, ओ भाई 11000 रुपये बंदा लाउल्स की नाम है बंदे का। और ये क्या कर रहा है भाई, लोगो डिजाइन कर रहा है। ये बढ़िया लोगो है, बस ऐसे ही टेक्स्ट लिख के। ये तो मैं भी डिजाइन कर सकता हूँ भाई। 11000 रुपये भाई, 19000 रुपये का लोगो, टॉप रेटेड है भाई, देख रहे हो, मतलब US का बंदा है ये। और यहाँ पे इसका जो ऑडियंस का टारगेट होगा ना, US में होगा, ठीक है। ये देखो, ओके। सो अभी हम लोग यहाँ पे बहुत दिखा नहीं, एक चीज़ और आपको दिखाना है, उसके बाद हम लोग अपना रियल वीडियो शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ थंबनेल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे थंबनेल पे देखो भाई कितने, ये मैंने ऑलरेडी कई सारे वीडियोस में दिखा रखा है, बट जो नए ऑडियंस हैं उनको दिखाना ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं दिखा ये रहा हूँ कि आप ग्राफिक डिजाइनिंग से बहुत सारे पैसे कमा सकते हो। अब आप लोग बोलेगा भाई ग्राफिक डिजाइनिंग सीखना पड़ेगा, तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे यार, मैंने बोला था हम लोग 20 सीरीज का वीडियो ला रहे हैं, जिसमें से मैंने ऑलरेडी 6 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। उन सीरीज़ में मैं क्या बता रहा था कि कुछ ऐसे न्यू स्किल्स, फ्यूचरिस्टिक स्किल्स, जो फ्यूचर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने वाले हैं, उसको सीखने के लिए कैसे सीखना वो भी मैं बता रहा हूँ। और उसको सीखने के बाद कैसे आप लोग उससे मॉनेटरी वैल्यू, मतलब कि शुद्ध हिंदी में अगर मैं बोलूं तो पैसे के मामले में उससे कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, अपने सर्विसेज को बेच कैसे सकते हो। ये शुद्ध हिंदी नहीं है, नहीं आ रही शुद्ध हिंदी, तो मैं क्या ही करूँ, ठीक है। तो उसको कैसे बेच सकते हो अपने सर्विसेज को, ठीक है। तो वो काम आपको कैसे करना है, अब मैंने बोला ग्राफिक डिजाइनिंग, भाई थॉर बाबा को ना देखो, मेरी बातों को ध्यान दो, ग्राफिक डिजाइनिंग आपको करना है, लेकिन सारा ग्राफिक डिजाइनिंग टेम्पलेट बेस करना है। टेम्पलेट बेस क्या होता है, मैंने बैकग्राउंड में एक वीडियो चला रखा है। यहाँ पे देखो मैं कितना जल्दी एक थंबनेल बना रहा हूँ, ठीक है। अब कितने लोग बोलो भाई क्या ही बकवास थंबनेल, तो भाई जैसा टाइम दिया वैसा थंबनेल बना। तो आप लोग यहाँ पे ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकते हो, थंबनेल, लोगो, पोस्टर, बैनर्स, इंस्टाग्राम पोस्ट, फेसबुक पोस्ट, और भी बहुत सारी चीज़ें, प्रेजेंटेशन, कई सारी चीज़ें आप बना सकते हो और बना के अपने सर्विसेज को सेल कर सकते हो। आपको यहाँ पे पूरा स्क्रैच से नहीं सीखना है, सारा मैं टेम्पलेट बेस बताऊंगा। टेम्पलेट बेस क्या होता है, टेम्पलेट बेस ये होता है कि आपको सिर्फ फोटो चेंज करना है, टेक्स्ट को लिखना है और टेक्स्ट को थोड़ा स्टाइल करना है, बस। नहीं स्टाइल करने आ रहा तो कहीं से कॉपी करके पेस्ट कर देना है। सारी चीज़ें मैं बताऊंगा डिटेल में। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये हम लोग का है वीडियो नंबर 7, जिसमें हम लोग सीख रहे हैं टेम्पलेट बेस्ड डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग कैसे करके अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए ऑलरेडी कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, लाइक दो फेमस प्लेटफॉर्म आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला आपका Adobe एक्सप्रेस, तो आपको आना है गूगल पे और क्रोम ब्राउजर पे, जहाँ पे भी आप जा सकते हो, Adobe एक्सप्रेस। यहाँ पे मैंने दिस आया था ना, ये रहा मेरा Adobe एक्सप्रेस, ठीक है। ये मैंने Adobe एक्सप्रेस ओपन किया। यहाँ पे ओपन करने के बाद सिंपली आपको साइन अप कर लेना है, लॉगिन कर लेना है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। साइन अप और लॉगिन करने के बाद आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। और यही चीज़ आप सेम कैनवा एप्लीकेशन, जो कि दूसरा है कैनवा एप्लीकेशन, अब कैनवा को आप मोबाइल में भी चला सकते हो, Adobe एक्सप्रेस को भी मोबाइल में चला सकते हो। तो अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो आप मोबाइल से भी काम कर सकते हो, ठीक है। और ये बिल्कुल फ्री है, आप चाहो तो इसे बाद में प्रीमियम में कन्वर्ट कर सकते हो थोड़ी और हाई क्वालिटी, 4K क्वालिटी के लिए। तो अगर आपका अर्निंग स्टार्ट हो जाए तो आप 4K क्वालिटी में से चाहो तो कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि क्लाइंट से पैसे मिलेंगे तो उसका थोड़ा अमाउंट लगा के आप 4K में उनको सर्विस प्रोवाइड करोगे, जिसके लिए आपकी कॉस्टिंग भी बढ़ जाएगी, ठीक है। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनना, बहुत ही डिटेल में सारी चीज़ें समझाने वाला हूँ, ठीक है। करना क्या है, अब यहाँ पे देखो, आपको Adobe एक्सप्रेस या फिर कैनवा, मैं सबसे पहले बोलूँगा आप कैनवा ही सीख लो। मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ कैनवा, मैंने डाउनलोड करके ऑलरेडी रखा हुआ है। मैं फिर बोल रहा हूँ, मोबाइल में भी इसे डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से। और ए भाई ये नहीं खुल, हाँ ये खुल जाओ, ओके ये मैं खोल दे रहा हूँ,
ये मैंने पिछला वीडियो ये अपलोड किया था, आपने देखा नहीं? देखा ना, जाके देखो भाई। ये इमेज जो बैकग्राउंड का इमेज है AI जनरेटेड है, और ये टेक्स्ट मैंने कॉपी करके पेस्ट किया। मैं भाई यहीं से अपना थंबनेल वगैरह बनाता हूँ, ठीक है? आप लोग मेरा थंबनेल देख सकते हो, तो वैसा थंबनेल चल जाएगा। ओके, सो हम लगा चुके हैं कैनवा पे। तो देखो Adobe Express का भी सेम यही इंटरफेस है और कैनवा का भी, दोनों का बहुत ज़्यादा सिमिलर है, ठीक है? तो आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि आपको फाइबर पे अकाउंट बनाना है, फाइबर पे, अपवर्क पे और freelancer.com पे, लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे, और कहाँ पे बनाना है? ओके, चार पाँच, हाँ पाँच, पाँच जगह बनाना है, पाँच नहीं एक और फेसबुक ले लो, ठीक है? आपको छः जगह अकाउंट बनाना है और सारे छः जगह पे आपको कोशिश करनी है कि एक ही नाम से बनाना है। फेसबुक पे अकाउंट बनाना और उस पर एक पेज बना लेना, बहुत ही आसान है फेसबुक पे पेज बनाना, आप यूट्यूब से देख सकते हो। पेज बनाने के बाद आपको सारा एक ही नाम से रखना हर जगह पे, ठीक है? एक ही नाम से रख लिए, अकाउंट बना लिए, बहुत अच्छी बात है। अब करना क्या है आपको, आपको थोड़ी बहुत यहाँ पे कैनवा चलाना सीखना है, ठीक है? इसके ऊपर मैं एक क्रैश कोर्स लाने वाला हूँ, ठीक है? बहुत ही डिटेल में लाने वाला हूँ, कैनवा को सिखाने वाला हूँ, तो थोड़ा सा वेट कर सकते हो, या फिर आप खुद का यहाँ पे इंस्टॉल करके चला सकते हो, काफ़ी ईजी इंटरफेस है, ठीक है? तो आपको करना क्या है, आपको कुछ सर्विसेज वहाँ पे लिस्ट आउट करने हैं। अब इसमें से देखो इतने सारे सर्विसेज हैं, ठीक है? डॉक हो गया, वाइट बोर्ड हो गया, वीडियो हो गया, थंबनेल हो गया, वेबसाइट का डिज़ाइन हो गया, प्रेजेंटेशन हो गया, ग्राफ हो गया, प्रेजेंटेशन ओके, इन्फोग्राफिक हो गया, इन्फोग्राफिक क्या होता है बाद बताऊंगा, फिर फेसबुक पोस्ट हो गया, कार्ड हो गया, आईडी कार्ड, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है? तो इसमें से आप तीन चार चूज कर लेना, कितने, तीन चार, ठीक है? जो आपको लगे कि हाँ परफेक्टली मैं इसको डिज़ाइन कर सकता हूँ, बैकग्राउंड में थोड़ी टी पा पी पा की आवाज़ आ रही होगी तो इग्नोर कर देना, क्योंकि वीडियो ऐसे टाइम पे बना रहा, लोग टी पी 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 कर रहा, मैं क्या ही करूँ। ओके, सो आपको जैसे कि मान लो यहाँ पे यूट्यूब थंबनेल बनाना है, सिंपली इस पर क्लिक करोगे, ठीक है? यही काम आप, मैं फिर से बोल रहा हूँ, यही काम आप वहाँ पे भी कर सकते हो, कहाँ पे, Adobe Express पे। ओके, सो अभी यहाँ पे देखो होम पे आओगे, मैंने यहाँ पे ये ओपन किया ना, ये ओपन किया है, ऐसे क्लिक करोगे तो इस पेज पे आ जाओगे, या फिर होम पे, ठीक है? मान लो आपको थंबनेल बनाना है, किस टाइप का, गेमिंग थंबनेल, मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ गेमिंग थंबनेल। आप लोग मेरे मैक्सिमम वीडियो में देखोगे मैं गेमिंग का बहुत ज़्यादा नाम लेता हूँ, क्यों? क्योंकि मेरा ऑलरेडी ये गेमिंग चैनल, तो बार बार वही दिमाग में घूमता रहता है। ओके, सो यहाँ पे गेमिंग थंबनेल आप जब सर्च करो तो यहाँ पे बहुत सारे आपको यूनिक थंबनेल मिल जाएंगे, ठीक है? आपको करना क्या है, आपको इन्हीं थंबनेल से कुछ अच्छे अच्छे आइडियाज डिजाइन करने हैं। कैसे डिजाइन करना है, चलो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि मान लो किसी के लिए वर्सेस वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पे मैं कस्टमाइज कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ, और यहाँ पे ये ओपन हो चुका है, ठीक है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे फोटो चेंज कर देना, यूट्यूबर वन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है? आप लोग बी टू को जानते हो, बहुत ही पुराना प्लेयर था फ्री फायर का, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टोटल गेमिंग, जो कि इसमें बहुत ज़्यादा ट्रेंड पे चल रहा है भाई, टोटल गेमिंग। ओके, सो दो बंदों का मैंने यहाँ पे नाम दे दिया, वर्सेस कर दिया। अब देखो ये एक थंबनेल लगभग बन के तैयार हो चुका, ठीक है? आप टोटल गेमिंग के लिए नहीं बनाना है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, वो बंदा अपना खुद का रखा हुआ है, ठीक है? तो आपको टारगेट करना है बाहर की ऑडियंस, ठीक है? वो मिल जाएगी आपको। जो भी पेज आप चेंज करना चाहते हो वो आसानी से यहाँ पे बैकग्राउंड में चेंज कर सकते हो। कैसे चेंज करना है, जैसे कि मान लो अपलोड वाले ऑप्शन पे जाओगे, देखो अपलोड कैसे करना है, ठीक है? अब देखो मैं तो यहाँ पे लगा कैनवा सिखाने, यार क्या ही बोलूँ मैं, ठीक है? जैसे कि मान लो ये इमेज ला के आप सिंपली रखोगे, ये अपलोड हो जाएगा, ठीक है? फाइल्स उठा के सिंपली इसमें डाल देना है, ठीक है? अब यहाँ पे कैनवा थोड़ी बहुत आपको सीख लेनी है। जैसे कि मान लो मुझे बैकग्राउंड में इमेज चेंज करना है, ये तो मैं क्या करूँगा, मान लो मैं ये वाला इमेज लगाना चाहता हूँ, इसको ऐसे नहीं, इधर ए इधर ऊपर ले जाऊँगा, और ये देखो बैकग्राउंड में इमेज लग गया। इस पर क्लिक करके मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कुछ नहीं करूँगा, कुछ भी नहीं करूँगा। ओके, सो ये सारी चीज़ें हो गई। अब देखो यहाँ पे इमेज लग गया, ठीक है? चाहूँ तो मैं इसको यहाँ से डिलीट भी कर सकता हूँ, कंट्रोल जेड कर सकता हूँ, ठीक, बाद में लगाऊंगा। ओके, सो सारी बिजली पीछे चली गई थी। तो यहाँ पे इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से, कहने का मतलब ये है, सिंपल सा मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आपको यहाँ से अलग अलग बढ़िया बढ़िया टेम्पलेट डिजाइन करना है। डिजाइन करके आपको फाइबर पे, अपवर्क पे, freelancer.com पे, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे, फेसबुक पे, इन सारी जगहों पे अपने काम को पोस्ट करना है, ठीक है? अब यहाँ पे देखो काम को, अपने काम को वहाँ पे पोस्ट करोगे ना, अपना लोगो जरूर लगा देना, ठीक है? पोस्ट करने के बाद वहाँ से क्लाइंट आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, आप लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो कैनवा पे। आपको देखो कैनवा पे अगर काम करोगे धीरे धीरे ना, तो कैनवा चलाना आसान है। आपके दिमाग में आ रहा होगा भाई जब इतना ही आसान है, जो यूट्यूबर होते हैं वो खुद ही बना लेंगे, क्या ही जरूरत है दूसरों को हायर करना। तो आपको ही पता है और मुझे भी पता है कि लोग हायर करते हैं बिना हायर किए हुए। ये बंदा कहाँ गया भाई, ये नहीं, ये बंदा कौन बंदा था, ये यहाँ पे था, नहीं यहाँ पे था, ठीक है? कहाँ गया ये 11,000 रुपये जो ले रहा था ना, ये बंदा वैसे ही नहीं 11,000 रुपये ले रहा है, क्योंकि लोग हायर कर रहे हैं भाई, ठीक है? मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो कितना प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, 276 ये देखो बंदा, 196 ये, 58 सारे अलग अलग बंदे, 1,000 प्रोजेक्ट ये कंप्लीट कर चुका है, 20 प्रोजेक्ट, 1,000 प्लस, 1,000 प्लस ये, ठीक है? तो यहाँ पे देखो
लोग बनवा रहे हैं क्योंकि लोगों के पास टाइम नहीं है, ठीक है। 400-500 दे के लोग अपने वीडियो के लिए बनवा सकते हैं, ठीक है। उसका कितना गुना वो लोग वीडियो से अर्न कर लेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना, आपको बस मास्टरी करनी है कैनवा में। अब कैनवा में देखो, मास्टरी करने के लिए तीन स्टेप आते हैं। सबसे पहला, आपको बढ़िया से कैनवा चलाने आना चाहिए, ठीक है। दूसरा चीज़ ये होना चाहिए कि आपको जिस भी नीश में, आप देखो सारे टाइप के थंबनेल, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ नहीं बना सकते हो सारे टाइप के, जैसे गेमिंग, एजुकेशनल, एंटरटेनमेंट, हर टाइप के आप थंबनेल बना सकते हो। बट आपको कोई दो तीन नीश चूज करना है, लाइक गेमिंग चूज कर लिए, एंटरटेनमेंट चूज कर लिए, ब्लॉगिंग चूज कर लिए, और उसमें आपको भिड़ जाना है। तो उसमें एक्सपर्टीज लानी है कि कैसे आप यूनिक थंबनेल बना सकते हो। यहाँ पे मैं एक वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, यूनिक। जब तक आप अपने काम में यूनिकनेस नहीं लाओगे ना, तब तक आपका प्रोजेक्ट सेल होने वाला नहीं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे नल्ले और बेरोजगार बैठे हुए हैं अपने सर्विसेज को लोगों को चिपकाने के लिए, ठीक है। तो आपको यूनिक यहाँ पे प्रोजेक्ट ज्वाइन करना है। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, उसके लिए आप यहाँ पे सिंपली आओगे फाइबर पे, इतना सिंपली एक अकाउंट बना लोगे बिल्कुल फ्री में, और यहाँ पे आप सर्च करोगे थंबनेल। जैसे कि मान लो मैं सर्च करता हूँ गेमिंग थंबनेल, ठीक है। क्यों सर्च करना है वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। जैसे कि मान लो आपका कोई भी नहीं है, मैं आपको गेमिंग थंबनेल सर्च करता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे लोगों के प्रोजेक्ट, देखो यहाँ पे कैसे सब बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ से आपको आइडिया लग, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब ओपन करो ये बंदा देखो कितना यूनिक। अब देखो मैं अगर गेमर होता ना, मैं वैसे तो मैं हूँ ही, ठीक है, तो मैं अभी हायर नहीं कर सकता, ठीक है, मैं खुद ही बना लेता हूँ। तो ये देखो मैक्सिमम इसको देंगे कि नहीं देंगे, आप इसे जो कितना अलग अलग, यहाँ पे देखो अलग टाइप का थंबनेल बना रहा है बंदा। ये सारे काम आप कैनवा में कर सकते हो, कैनवा से बहुत ही आसानी से सारे काम कर सकते हो। सारी चीज़ें हो सकती है कैनवा में, ठीक है, सारी चीज़ें हो सकती हैं। ये सारे इफेक्ट अलग अलग से ऐड किए गए हैं, जो कि आपको सारे मिल जाएंगे PNG के फॉर्म में गूगल पे, ठीक है। आप अलग अलग थंबनेल बना सकते हो बहुत ही आसानी से, बहुत ही यूनिक तरीके से, ठीक है। तो आपको यूनिक काम करना है, और मैंने जो 6 जगह बताएं फिर से नोट कर लो, कहाँ पे, फाइबर पे, अपवर्क पे, freelancer.com पे, लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, इन 6 जगहों पे आपको अकाउंट बनाना है और अपने प्रोजेक्ट को दिखाना है। अगर आपको किसी भी एक प्लेटफॉर्म, मतलब कोई भी प्लेटफॉर्म समझ में नहीं आता, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो, मैं उसके बारे में आपको बता दूंगा। सेकेंडली, आप YouTube पे सर्च कर सकते हो, लाइक फेसबुक पे अपने पोस्ट को कैसे अपलोड करते हो। आप इसे देखो, फेसबुक के लिए पेज बनाना पड़ता है, पेज के लिए आप बहुत ही, जैसे यूट्यूब पे चैनल बनाते हो ना, वैसे फेसबुक पे आपको पेज बनाना है, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। आप यूट्यूब पे सर्च करोगे पेज कैसे बनाते हैं, वहाँ पे मिल जाएगा वीडियो। इंस्टाग्राम पे आपको पता है, इंस्टाग्राम पे तो चलाते होगे भाई, इंस्टाग्राम पे आपको अपलोड करना है। उसके बाद आपको लिंक्डइन पे कैसे अकाउंट बनाना, बहुत ही आसान है, बट अगर आपको नहीं समझ में आ रहा फिर भी आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो। फाइबर पे तो बहुत ही ज्यादा आसान है, फिर भी अगर आप फाइबर, freelancer.com और अपवर्क, इन तीनों पे अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि अकाउंट कैसे बनाना, तो यूट्यूब पे हर एक चीज अवेलेबल है, सिंपली आप सर्च करके देख सकते हो, ठीक है। तो आप इन 6 जगह पे अकाउंट बना के अपलोड करोगे और अपने यूनिक काम, आप खुद ही सोचो कि ये जो बंदा है, ठीक है, मान लो इसी को हम ले लेते हैं, ठीक है। अब ये जो बंदा है, ये बंदा, अब देखो इस टाइप के आप अगर थंबनेल बना के एज अ टेम्पलेट बेस वहाँ पे अपलोड करोगे और अपने सर्विसेज को एक्सप्लेन करोगे कि मैं इस टाइप के सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ, तो जो भी बंदा देखेगा, जो भी मान लो क्रिएटर देखेगा, वो आपको हायर करेगा कि नहीं करेगा, आप खुद ही सोच के देखो। बट आपके लिए उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हाँ मैं तीन स्टेप बता रहा था भाई, मैं स्टेप ही बीच में बोल जाता, जब मैं नहीं लिखता हूँ ना तो इधर उधर हो जाता है। तो मैं बता रहा था आपको कैनवा बहुत अच्छे से सीखना है। सेकंड स्टेप क्या करना है, आपको दो या तीन नीश चूज करना है, बस दो या तीन नीश। अब ये देखो बंदा सिर्फ गेमिंग वाला बनाता है, ठीक है, एक दो नीश और कोई होगा, ठीक है, बाकी ये मैक्सिमम जो है गेमिंग वाला ही थंबनेल बनाता है। तो ऐसे आपको दो तीन नीश चूज कर लेना है। उसके बाद थर्ड, आपको उस तीन नीश में एकदम एक्सपर्ट हो जाना है, ठीक है। एक्सपर्ट क्या, एकदम क्रिएटिव हो जाना है, ठीक है। आप जब तक क्रिएटिव नहीं होगे तब तक आप नहीं बना पाओगे। और क्रिएटिव होने के लिए आप दूसरे यूट्यूबर का, दूसरे यूट्यूब पे थोड़ा चेकआउट कर सकते हो, उस टाइप के, जिस टाइप के आप थंबनेल बनाना चाहते हो, उस टाइप के लोग थंबनेल कैसे बना रहे हैं, वहाँ से थोड़ा बहुत आइडिया ले सकते हो। अपने दिमाग में कोई डायलॉग लिख सकते हो और कोई डायलॉग लिखने के बाद चिपका सकते हो फोटो के ऊपर, बस, ठीक है। फोटो के ऊपर चिपकाना है, आपको फोटो लगा देना है, ठीक है, गेम का फोटो लगा देना। जैसे कि यहाँ पे देखो इसमें क्या हुआ भाई, टेक्स्ट लगाया गया और फोटो लगाया गया, बस काम खत्म हो गया थंबनेल, ठीक है। ऐसे आप यहाँ पे लोगो भी डिजाइन कर सकते हो, जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे सर्च करूँ गेमिंग लोगो, नहीं मैं सिर्फ लोगो सर्च करता हूँ, हर बार गेमिंग पे अटक जाती मेरी आके। ओके, सो मैं यहाँ पे लोगो, आप देखो यहाँ पे कितना यूनिक लोगो आ रहा है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो ना, अलग अलग फोटो कलेक्ट कर सकते हो AI इमेजेस से, और उस इमेजेस को इस्तेमाल करके और टेक्स्ट को ऐड करके आप यूनिक लोगो डिजाइन कर सकते हो, और उसको अपने जहाँ भी आप, मैंने बोला ना, वहाँ पे अपलोड कर सकते हो, ठीक है। और क्या कर सकते हो, और यहाँ पे काम कर सकते हो, पोस्ट डिजाइन कर सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ पोस्ट, और देखो यहाँ पे अलग अलग इंस्टाग्राम पोस्ट, अलग अलग टाइप के, यहाँ पे देखो ये जो है ना, ये सोशल मीडिया पोस्ट है, ठीक है। इंस्टाग्राम पे इस टाइप के आप बहुत सारे
एड्स देखते होंगे, ठीक है, तो ये पोस्ट इस टाइप के आप डिजाइन कर सकते हो, ठीक है, तो आप ऐसे काम कर सकते हो और कैनवा से अच्छी खासी अर्निंग जनरेट कर सकते हो। होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन है कमेंट बॉक्स आपके लिए, कमेंट जरूर किया करो भाई यार। मैं कितनी बार बोलता हूँ कमेंट किया करो, बट आप कमेंट नहीं करते हो यार, बहुत ही दुख होता है। वीडियो को लाइक नहीं लाइक करना वो तो आपके ऊपर, बट कमेंट जरूर किया करो और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर दबा देना। इतना टाइम आप वेस्ट करते इधर उधर, चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको थोड़ी बहुत एजुकेशनल वीडियो मिलती रहेगी। अगर एक आध ही वीडियो मेरे देखोगे तो थोड़ा आपका माइंड डाइवर्ट होगा अपने करियर के साइड, ठीक है, कुछ अच्छी चीज़ों के साइड, कहने का मतलब कुछ अच्छी चीज़ों के साइड, ठीक है। ओके, वीडियो पसंद आएगी, मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।